अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू दी समी रफ़ीक व्लॉग। तो आज के व्लॉग का आगाज़ यहीं से शुरू करते हैं। तो माशाल्लाह कल गया हुआ था मैं शदारपुर, तो रात को आए तो मैंने अभी भी ये जो व्लॉग स्टार्ट किया इसके 15-20 मिनट पहले मैंने पिछले व्लॉग का एंड किया है। थक गए थे रात को, आगे सो गए थे। अभी मैंने अभी सुबह के टाइम व्लॉग का एंड किया है। तो अभी जो पिछला व्लॉग एंड किया है उसको USB में शिफ्ट करके उसकी एडिटिंग करनी है। ये निकला है माउस, USB साथ ही पड़े है, जब भी मसला होता है इसमें डाल के उसके बाद लैपटॉप में एडिटिंग करेंगे। पहले USB में शिफ्ट कर लूँ मैं वीडियो। तो माशाल्लाह माशाल्लाह अभी सब्जी देने आधा भर गए, तो गला ले ऊपर गए मैं नीचे से, तो सारा खाली कर दिया अभी। तो अभी मेहमान भी आए हैं, तो मैं अभी जा रहा हूँ फिर दुकान पर, दुकान पर काम है तो दुकान पर चलते हैं। माशाल्लाह जो दुकान पे काम था वो कर लिया है। अभी बाल बहुत बड़े हो गए, ये देखें बाल कटवा के आते हैं, बाल कटवाने चलते हैं। दुकान का जो काम था वो तो कर लिया, बाल कटवाने चलते हैं, निकलते हैं। माशाल्लाह पहुंच गया हूँ नाई की दुकान पे, सामने जहाँ बाइक्स खड़ी हैं, अभी बाल कटवाते हैं। तो अभी बाल कटवाने गया, जाना था क्या था, देर हो गई थी काफ़ी, मैं अभी आया हूँ तेल लेने आया था। अभी इन्हों से इजाज़त लेता हूँ, जैसे निकाल रहे हैं ना तेल सरसों का, तो मैं इजाज़त लेके आपको दिखाता हूँ मशीन, अगर इजाज़त दे दी तो। ये मशीन है सरसों निकाल, सरसों का तेल निकालती है, तेल भी निकल रहा है। एनू की कहते हैं, एनू की कहते हल, तेल उतो निकलन दे, हल इतो। सर जी दे हैंड ओवर है, देखो माशाल्लाह बेहतरीन काम करके बैठे। हम भी अभी आए 5-5 लीटर अभी तेल लेंगे, उसके बाद घर चलते हैं। फिर उसके बाद जाना है ये बाल कटवाने जाना है, फिर उसके बाद देखते हैं क्या सीन है क्या नहीं। चलो बाइक तो अभी धूप में ही खड़ी गई है, उसके ये आले जो है ना टेंकी के नीचे जो लगे होते हैं ये चीज़ें, और ये भी टूट गई है कल, ये नीचे बैठ गई है टेंकी, इधर होती है इधर आ गई नीचे, ये भी सेट कराना है। माशाल्लाह माशाल्लाह इन्हों का तेल निकालेगा, जो मशीन है वो भी देख ली और बेहतरीन है। इधर इस दुकान पे आते हैं, ये है ये पीढ़ी है ना, पीढ़ी के इस तरफ करके दुकान है सामने वाली, ये फैजान के नाम से है। माशाल्लाह बेहतरीन ऑयल है, कभी शिकायत नहीं आई। हम तकरीबन 5-6 महीने से लेके जा रहे हैं, पहले हम भी डाल्टा इस्तेमाल करते थे, अब ये तेल इस्तेमाल कर रहे हैं ना, खाने में भी ये डालते हैं, बस बेहतरीन है। महीने डेढ़ के बाद आते हैं, 5 किलो ले जाते हैं, उसके बाद ना महीना चल जाता है, फिर आ जाते हैं। सेहत के लिए भी अच्छा है, नुकसान दे भी नहीं है, बाकी वो जो डाल्टा वाला है वो नुकसान दे, और इसे है भी महंगा। बेहतरीन है। तो जो ये वीडियो बनाई है ये इजाज़त लिए भाई से, फिर ही वीडियो बनाई है। अभी जो पिछली बार आए थे तेल लेने उसका रेट पूछा था, तो वो बताया था 450, और अभी पूछने कितना रेट है कितनी है। ये आज का रेट क्या बता रहे हैं, आज का रेट किया, आज का रेट किया तेल का, वही 450 आज का भी रेट, 450 महीना पहले भी वो था और आज का भी वही है भी सस्ता, खाने में भी कोई नुकसान नहीं है। जाके घर वालों से जो बना करते हैं घर वाले, पहले जाके इसको गर्म कर लेते हैं एक दफ़ा, उसके बाद चल जाता है महीना, तो फिर उसके बाद ले आते हैं, फिर उसके बाद गर्म करते हैं, गर्म करके फिर बस वो जो ऑयल मना तेल की जो स्मेल आती है ना, वो गर्म करने से ऑयल जो होता है वो करने से उसकी स्मेल नहीं आती, तो वो खाने में भी इतना गुण मिलता। तो पहले हमने भी पहले डाल्टे वाला जो इस्तेमाल करते थे वो करते थे, खाने में बना ना स्मेल आती थी, मसला होता था। एक दो दिन चला उसके बाद मना हफ्ता डेढ़, उसके बाद मुश्किल नहीं आई, मना स्मेल नहीं आई, खाने की आदत पड़ गई ना, फिर नहीं मसला हुआ। एक काम बेहतरीन ये भी
अभी निकलते हैं बस तेल लेके, उसके बाद चलते हैं, तेल हो गया, पैसे दे दें, उसके बाद निकलते हैं। तो अभी माशाल्लाह निकल गए, टांग लिया है तेल, अभी बाइक पास की तरफ से निकलेंगे। शहर की तरफ से जाना था, पर शहर में इधर 15 मिनट लगेंगे, उधर 20 मिनट लग जाएंगे, इतने जंप है, बस इधर से सही, इधर से निकलते हैं। ये माशाल्लाह अभी पहुंच गए हैं सांगड़, ऊपर वो ब्लू बोर्ड में लिखा हुआ सांगड़ 1 किलोमीटर, 1 किलोमीटर रह गया लिखा हुआ, सभी पहुंच गए, 1 किलोमीटर रह गया बस। तो माशाल्लाह अभी घर पे पहुंच के तेल वेल रखा है और बाल धोए, मुंह धोया, गर्मी लगती थी तो अभी चलते हैं नहाई के बस। शफीक भाई आए तो उसके बाद निकलते हैं बस। ये चूना उस दिन का पड़ा हुआ है, ये देखें, बाकी तो माशाल्लाह ऊपर अपना सारा हो गया काम फर्स्ट क्लास। तो कल मैं जा रहा था, ये जिस मोबाइल से मैं वीडियो बना रहा हूँ ना, तो कल मैं शिदारपुर गया था, वीडियो नहीं बनाई, तो बीच में पहुँचा, फैमिली भी थी साथ, तो इतना ध्यान ही नहीं किया, आगे जंप आ गया उसी वक्त, तो हमने अज़ान और अज़ान के बाद बता। तो यार अभी बाल कटवाने जाना था, बाल कटवाने जा ही नहीं सका, टाइम ही नहीं मिला, दुकान पे काम लगा पड़ा था। तो अभी दुकान से घर पे आ गए, खाना वाना खा लिया, तो इंशाल्लाह कल चलेंगे बाल कटवाने। तो आज के ब्लॉग का एंड इधर ही करते हैं, समीला रफ़ी को अपनी दुआ में याद रखना, अल्लाह हाफिज़।